Chief Defense Exam YouTube channel, everyone. Again, I welcome you all to this very, very important session, 10-minute show on defense knowledge. चलिए भाई सब के सब आ जाइए warriors. बहुत important जो है ये session है. एक बार like और share जो है जरूर अपने friends के साथ करिएगा जो defense examination की तैयारी कर रहे हैं. आज का जो हमारा topic है warriors, that is paramilitary forces of India. जितनी भी paramilitary forces है, कौन कौन सी फोर्सेस जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आती है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे. देखिए डिफेंस आर्म फोर्सेस अलग होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग होती है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर ही जो है हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस भी होती है, वो भी आती है. तो दोनों चीजों को हम कवर करेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर कौन कौन सी CAPF आती है और कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेज भी इसके अंदर जो है इंक्लूड है. आपको जो है कंफ्यूज नहीं करना है पैरामिलिट्री फोर्सेज को इंडियन आर्म फोर्सेज से. इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड आती है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर होती है. पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं आती है, आपको ये ध्यान रखना है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो है ये फोर्सेस आती है. चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं वॉरियर्स. ये हमारे बैचेस हैं जो लाइव हो चुके हैं CDS और CAPF के, उसके साथ साथ NDA का भी बैच लाइव है वॉरियर्स. एंड एम्बाइब को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एम्बाइब को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. एक सब्सक्रिप्शन से जो है आपको अनलिमिटेड एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिलता है और अनलिमिटेड हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस है वो भी आपको मिलती है. और अगर आपने MBMs कॉइन बेसिकली कलेक्ट करे है तो आप अपने हिसाब से जो है कोई भी पैक जो है सेलेक्ट कर सकते हैं. 1 ईयर का सबसे बेस्ट रहेगा जिसमें आप MBMs से अप टू 20% का डिस्काउंट भी जो है पा सकते हैं. उसके साथ साथ गर्मी जो है चल रही है तो गर्मी को बीट दी समर हीट बाई अप्लाइंग कोड summer25, जिससे कि आपको जो है एनुअल कोर्सेज पे अप टू 25% का ऑफ मिलेगा. और ये जो कोड है 1 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा, तो पहले ही जो है आप लोग अपना कोर्स जो है ले लीजिए. जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी से आप डिफेंस एस्पिरेंट है, फाइनल ईयर में है, CDS, NDA, FCAT, CAPF की तैयारी कर रहे हैं, तो 1 साल का कोर्स लेके बैठ जाइए. 25% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा. रेगुलर लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस जो है कंटेंट का आपको मिल जाएगा और आपकी प्रिपरेशन एकदम अप टू दी मार्क हो जाएगी. चलिए भाई अब देखते हैं वॉरियर्स पहली पैरामिलिट्री फोर्सेस. आपको ध्यान रखना है असम राइफल. असम राइफल जो है पहली हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आपको ध्यान रखना है. एक्टिव स्ट्रेंथ की बात करी जाए वॉरियर्स, दैट इज 63,000 इसमें एक्टिव स्ट्रेंथ है. ऑपरेशन कहाँ करते हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया म्यांमार बॉर्डर में, और ये जो है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है एक तरीके से, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो है ये आती है एडमिनिस्ट्रेटिव में जब बात करें, और ऑपरेशनल में देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो है असम राइफल्स आती है. सेकेंड पैरामिलिट्री फोर्स की अगर हम बात करें वॉरियर्स, दैट इज BSF. BSF जो है हमारी सेकेंड पैरामिलिट्री फोर्सेज है. ध्यान रखना है अगर आप CAPF की तैयारी कर रहे हैं, UPSC CAPF की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन फोर्सेज में जो है इंडक्ट होंगे. इसका मोटो देखें तो ड्यूटी अनटू डेथ, और इसमें एक्टिव पर्सनल की बात करें 257,000 जो है इसमें एक्टिव पर्सनल है, और ये पुलिस फोर्स जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है. इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में जो है ये गार्ड करती है, इसलिए इसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है. उसके बाद आगे बढ़े वॉरियर्स CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स. ये भी एक तरीके से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की फोर्स है, जिसमें 1,44,000 के करीब जो है इनकी एक्टिव स्ट्रेंथ है. अगेन आई टोल्ड यू ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, और कहां पर जो है ये ऑपरेशंस करती है, दिल्ली मेट्रो हो गया, जितनी भी मेट्रो सिटीज हो गई, एयरपोर्ट्स हो गई, जितने भी वहां पे पुलिस फोर्सेस के एम्प्लॉयज होते हैं वो CISF के होते हैं. इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्पेस इंस्टॉलेशंस, एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट्स में जो है CISF प्रोटेक्शन का काम करती है, ये आपको ध्यान रखना है.
आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, आगे हमारे सामने वॉरियर्स वेरी इंपॉर्टेंट पुलिस फोर्स, दैट इज अगेन आपको ध्यान रखना है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जो कि अगेन एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, CAPF का पार्ट है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में ये आती है। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है एक्टिव स्ट्रेंथ की बात करें, 313,000 के करीब जो है इनकी एक्टिव स्ट्रेंथ है, अगेन आई टोल्ड यू लाइक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आती है, और काउंटर इंसर्जेंसी एंड जनरल जो जब जब जनरल इलेक्शंस बेसिकली होते हैं तब ये जो सिक्योरिटी फोर्स है काफी ज्यादा काम करती है। CRPF आपको ध्यान रखना है नक्सलाइट एरियाज में भी जो है ये डिप्लॉयड होते हैं और देश को नक्सल से बचाते हैं। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, आगे हमारी आती है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स ITBP, आपको ध्यान रखना है। एक्टिव स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ इसकी 90,000 है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है ये, और ये आपको ध्यान रखना है ये जो पुलिस फोर्स अगेन आपको ध्यान रखना है इंडो चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉयड होती है और उस बॉर्डर को जो है ITBP गार्ड करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, NSG वेरी इंपॉर्टेंट, NSG इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, अगेन दिस इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एसोसिएटेड है। उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, NSG के अंदर जो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, उसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स से भी जो है एम्प्लॉयज जाते हैं, वहां पे इंडक्ट होते हैं, एक दो साल का टेन्योर वहां पे करते हैं। ये जो फोर्स है काउंटर टेररिज्म में जो है ये काम करती है, टेरर अटैक हो जाता है जैसे मुंबई में टेरर अटैक हो गया तो NSG ने जो है वहां पे अपना रोल निभाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो है ये NSG आता है। उसके बाद एक और पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये भी जो है RPF भी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, इंडियन रेलवेज को जो है ये बेसिकली वहां पे गार्ड करते हैं, प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी ऑपरेशनल एरियाज भी जो है ये काम करते हैं, इंडियन रेलवेज को सुरक्षा पहुंचाना जो है RPF का काम होता है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, फिर आता है SSB, दैट इज सशस्त्र सीमा बल, ये आपको ध्यान रखना है सशस्त्र सीमा बल सेवा सुरक्षा बंधत्व, तो ये आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आता है। SSB को कई लोग बहुत बार जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, भाई सशस्त्र सीमा बल जो है आपको ध्यान रखना है एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है जो पैरामिलिट्री का पार्ट है। SSB जो है वो इंडियन आर्मी का एक इंटरव्यू प्रोसेस है, उससे आपको SSB को कन्फ्यूज नहीं करना है। ठीक है, एक SSB जो है आपके सामने है, दैट इज सशस्त्र सीमा बल जो पैरामिलिट्री फोर्सेज का पार्ट है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसमें अप्रोक्सीमेट 97,000 एम्प्लॉइज है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, उसके साथ साथ इंडो नेपाल बॉर्डर और इंडो भूटान बॉर्डर पे जो है ये सीमा, ये जो बेसिक सशस्त्र सीमा बल है ये तैनात होते हैं, और जो SSB होता है दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो आप CDS, NDA या फिर कोई भी एंट्री लेते हो फौज में ऑफिसर बनने के लिए तब आपको उसके थ्रू जाना पड़ता है, वो एक बोर्ड है, इंटरव्यू बोर्ड है, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, अगेन हमारी आती है SFF, दैट इज स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, अब इससे भी कई लोग जो है इसको भारतीय सेना के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि जो SFF है बेसिकली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है इसको मॉनिटर करते हैं और ये पैरामिलिट्री फोर्स का पार्ट है, ये भारतीय आर्म फोर्सेस का पार्ट नहीं है। इंडो चाइना बॉर्डर पे जितने भी हमारे ये जवान होते हैं ये तैनात होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद वॉरियर्स, अगेन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये भी आपको ध्यान रखना है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आते हैं और ये भी जो है हमारे ऑपरेशनल एरिया नेशनल बॉर्डर एरियाज में जो है तैनात होते हैं, ये भी हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG, बहुत बार न्यूज में आपने सुना होगा जब कुछ कंट्रोल में नहीं आती चीजें तब जो है SPG को वहां पे लगाया जाता है, तो अलग अलग फोर्सेस से भी कई बार SPG में जो है जवान जाते हैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। तो ये जो आपको ध्यान रखना था ये थी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ आपको इनको कंफ्यूज नहीं करना है, बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, और दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वॉरियर्स, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करिए, डाउनलोड
डाउनलोड जरूर करिए, और आप हमारे जितने भी एमबीएम कॉइन्स हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं हमारे डिफरेंट ऐप्स यूज करके। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हर चीज आपको वहां पे मिलती है। व्हाट्सएप पे आप 24/7 डाउट पूछ सकते हैं। तो ये था आज का आपका 10 मिनट का सेशन, जिसमें हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया को डिस्कस किया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।